सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते और शेर अकेले। सलमान की पठान के केमियो रोल की फीस, अब किसको अपनी दरिया दिली दिखाई सलमान ने। कितने सालों बाद आ रहे हैं सलमान शाहरुख एक साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान की एक और दरिया दिली की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उनके काम की। आपको बता दें, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान बहुत ही जल्द शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान में स्पेशल कैमियो करते दिखाई देंगे। यशराज बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा अपने प्रोडक्शन हाउस का एक स्पाई वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पठान और टाइगर सीरीज का क्रॉसओवर कराने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की फिल्म पठान के अंत में 10 मिनट का कैमियो करते दिखाई देंगे, जैसे दर्शकों ने सिम्बा में अजय देवगन का कैमियो देखा था। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। असल में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच भाइयों जैसा रिश्ता है, जिस कारण भाईजान ने ये फैसला किया है कि वो पठान में काम करने के लिए रुपए नहीं लेंगे। आपको बता दें, जब आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान से उनके फेस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, शाहरुख मेरे भाई जैसा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सलमान खान के एक्सटेंडेड कैमियो की खबर सुनते ही शाहरुख खान के फैंस खुशी से उछल पड़े थे, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स को एक ही फिल्म में साथ देखना किसी भी सिनेमा प्रेमी का सपना है। करण अर्जुन जैसी मूवी को लोग आज भी बेहद याद और पसंद करते हैं, जिसमें ये दोनों भाइयों के किरदार में नजर आए थे। यहाँ तक कि मरने के बाद भी दोनों को अपना पुराना जन्म याद आ गया था और ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई थी। हाँ, अब ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट का केमियो भी इन दोनों के फैंस के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। अब अगर सलमान खान को पठान में केमियो करने के लिए मिलने वाली फीस की बात करें तो वो जीरो है। आदित्य चोपड़ा काम के मामले में बेहद प्रोफेशनल है, जिस कारण उन्होंने सलमान खान पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो पठान के लिए फीस चार्ज करे। सलमान खान ने उनसे कहा कि वो उनको जो भी फीस देना चाहते हैं, उसे पठान और टाइगर 3 के बजट में आधी आधी लगा दे। इससे दोनों फिल्मों को फायदा होगा और उन्हें लगेगा कि उन्होंने फीस ले ली। सलमान खान की दरियादिली देखने के बाद आदित्य चोपड़ा ने फैसला लिया है कि वो पठान की रिलीज के समय अपनी तरफ से भाईजान को एक खास तोहफा देंगे। अब वो तोहफा क्या होगा, ये हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही सलमान की फिल्म राधे भी अभी रिलीज पर अटकी हुई है, लेकिन इसका सलमान को जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि ये अभी रिलीज नहीं हुई है। तो इसकी नई रिलीज डेट को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्रेड स्टूडियोज को। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। अलविदा।